नेक्स्ट डाउट, अ स्टोन थ्रोन अपवर्ड विथ अ स्पीड u, चलो एक स्टोन को अपवर्ड डायरेक्शन में u जितनी स्पीड से हमने थ्रो किया है, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर रीचेस द ग्राउंड विथ अ वेलोसिटी 3u, ये बॉल यहां से ऊपर गया एंड यहां से नीचे आया, चलो जब ये यहां पे पहुंचा ग्राउंड पे तब इसकी वेलोसिटी थी -3u क्योंकि डाउनवर्ड है ना, बराबर। अब आपको समझ जाना था बेटा कि जहां से हमने थ्रो किया था वो पॉइंट अलग है, जहां ग्राउंड पे आ रहा है वो पॉइंट अलग है, क्योंकि अगर ये सेम लेवल पे होता तो यहां पे उसकी वेलोसिटी -u होती, समझ में आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट, द हाइट ऑफ द टावर इज, ये आपको हाइट फाइंड करनी है टावर की, तो देखो ये वाले केस में ये बॉल ऊपर गया, ये इनिशियल पॉइंट, ये बॉल यहां पे आया फाइनल पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट कितना ले, कितना लेना पड़ेगा इसका, ये इनिशियल पॉइंट ये फाइनल पॉइंट दोनों के बीच का ये डिस्टेंस माइनस एच डिस्प्लेसमेंट, समझ में आ रहा है। चलो s इज इक्वल टू माइनस एच, डिस्प्लेसमेंट पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, फाइनल वेलोसिटी माइनस 3u थी, स्क्वायर करो 9u स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी u थी u स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी, डिस्प्लेसमेंट माइनस एच, ये इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट है तो नीचे की साइड ना, हाइट ऑफ टावर जितना, इसीलिए माइनस एच लिखा हमने, माइनस माइनस प्लस, यहां पे क्या आएगा 8u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, 2 फोरजा, तो h इज इक्वल टू 4u स्क्वायर बाय, ये आपका आंसर होगा।